हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन ऐसी टर्म्स है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि वॉट इज़ हाइबरनेशन एंड वॉट इज़ माइग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, और से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर हैं। आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन पर मैंने वीडियो बनाई है। तो आप जाके एक बार चेक कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अ न्यू वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि हाइबरनेशन और माइग्रेशन क्या होता है, किन में होता है। तो आपने ये टर्म सुनी होगी स्टूडेंट्स। सो इन हैबिटाट्स दैट गेट वेरी कोल्ड एनिमल्स एडेप्ट बाय हाइबरनेटिंग एंड sleeping for up to a few months at a time. So during hibernation the animal survives on a stored fat in its body. Chipmunks, hedgehogs, bats and bears are some animal that hibernate. So hibernation अगर हम बोल सकते हैं तो वन वर्ड में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो होता है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका हैबिटाट्स होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ गिरती है, काफ़ी स्नोई एरिया होता है, आर्कटिक रीजन हो, अंटार्कटिक रीजन हो। जिस तरह से वो एनिमल्स जो होते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन्स, ये सभी क्या करते हैं, ये इस हैबिटाट्स में रहते हैं। तो वहाँ पर उनके अंदर एक एडेप्टेशन पाया जाता है हाइबरनेटिंग और स्लीपिंग वाला। ये क्या करते हैं, जब भी वहाँ पर ठंड पड़ती है तो विंटर स्लिप करते हैं, मतलब कुछ मंथ्स के लिए वो सो जाते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि हम 6 महीने जो होते हैं वहाँ पर, वो लोग 6 मंथ की जो है स्लिप लेते हैं, मतलब काफ़ी लेज़ी टाइम बोल सकते हैं उसको, स्लिपिंग टाइम बोल सकते हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स जो है कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होने पर सारे एनिमल्स अपने अपने अंदर छुप जाते हैं, तो वहाँ पर उनको फूड वगैरह सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं आपको पोलर बियर का एग्जांपल बताती हूँ, इसके पोलर बियर से रिलेटेड अडेप्टेशन वाला वीडियो भी मैंने जो है अपने चैनल पर बनाया है, उसकी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या ऊपर आई बटन पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइबरनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं, सोते हैं। उस समय वो इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। उस समय ना वो फूड सर्च करते हैं, ना शेल्टर सर्च करते हैं, ना कोई ऐसी रिएक्शन करते हैं। तो क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी ठंड होती है, तो वो अपने आप को इस तरह से एक जगह पर रखते हैं और उसे सोते रहते हैं, केवल इनएक्टिव होते हैं। काफ़ी साल के जो 6 महीने होते हैं वो सारा अपना जो है नींद में ही बिताते हैं, 6 महीने जो है वो स्लीप करते हैं, और उस विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। उस समय जो उनकी बॉडी पर एक लेयर पाई जाती है ब्लबर नाम की, जो कि फैट की लेयर होती है, तो वो क्या करते हैं, उस फैट का जो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, उस फैट का वो यूज़ उन दिनों में करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब गर्मी आती है तब 6 महीने तक वो इतना खाते हैं कि अपनी बॉडी में जो है एक्स्ट्रा फैट स्टोर कर लेते हैं, और फिर इस फैट का यूज़ जो है वो हमारे सर्दियों में करते हैं, जब तक वो पूरी तरह से इनएक्टिव या आलसी या लेज़ी इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, चिपमुंक्स, हैजहॉग, बैट्स एंड बियर्स आर सम एनिमल दैट हाइबरनेट। फिर अगेन यहाँ पर एक और हमें टर्म्स देखने को मिल रही है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज़ व्हेन एनिमल लीव देयर हैबिटाट फॉर अनदर वन दैट हैज़ बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग फ्रीजिंग विंटर सम बर्ड्स वुड फ्लाई टू वार्म स्पॉट, रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल हैबिटाट वंस द वेदर बिकम्स वार्मर। आर्कटिक टर्न इज माइग्रेटरी बर्ड।
यहाँ पर देखिए, माइग्रेशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है ट्रांसफ़र, मतलब अपना जगह परिवर्तन करना एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब वो जगह जहाँ पर वो उनका आवास है वो रह रहे हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक सूटेबल कंडीशन के लिए एक अपनी जगह को परिवर्तन करना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आर्कटिक टर्न नाम की जो बर्ड होती है, ये माइग्रेटरी बर्ड होती है, ये क्या करती है, इनका जो हैबिटेट है वहाँ से कई हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके ये वहाँ से उड़ के आती है गर्म प्रदेशों में जहाँ पर ये रहती है। ठंडे प्रदेशों में आर्कटिक एरिया आपको पता है काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ पर जो ये बर्ड पाई जाती है ये वहाँ से उड़कर गर्म प्रदेशों वाले क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाती है, मतलब अपना एनिमल्स जो होते हैं वो अपना रियल हैबिटेट्स को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन में आकर रहने लग जाता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ओके, तो कुछ बर्ड्स जो होती है वो इस तरह का माइग्रेशन शो करती है, मतलब गर्म स्थानों पर आ जाती है और जब दोबारा वहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ से उड़कर पुनः वो अपने पहले वाले हैबिटेट में रिटर्न हो जाती है, ओरिजिनल हैबिटेट में। तो ये क्या करती है, साल में एक बार ऐसा माइग्रेशन करती है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल आपको माइग्रेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों जो हैं रिलेटेड हैं विंटर से, इसीलिए दोनों चीज़ों को एक साथ समझाया गया है कि हाइबरनेशन भी विंटर स्लीप से रिलेटेड है और माइग्रेशन भी विंटर से रिलेटेड है। ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो और आगे कौन सा वीडियो बनाया जाए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।